नमस्कार दोस्तों, बहुत लोगों ने मुझसे एक सवाल किया है कि अगर उल्लू हमें एकादशी के दिन दिखता है तो इसका क्या मतलब निकलता है। देखिए, अचानक से अगर कभी किसी को उल्लू दिख जाता है तो उसका वो एक मीनिंग होता है उसका। लेकिन अगर हम किसी दिन जाकर कि शुभ दिन है, शुभ मुहूर्त है, हम जाकर अब उल्लू के दर्शन कराते हैं तो बला बला कुछ भी नहीं। एक जो अचानक से कभी उल्लू दिख जाता है तो जो उल्लू के लिए टोटके बने हुए हैं, जो उल्लू के लिए बातें बनी हुई हैं, या पक्षी तंत्र जिन चीज़ों के लिए बता रहा है, वो सिर्फ इसलिए बता रहा है कि कभी आपको अचानक से उल्लू का दर्शन हो जाता है तो उसका मीनिंग क्या निकलता है। ऑफ कोर्स, बहुत अच्छा सवाल किया किसी ने मुझसे कि एकादशी के दिन अगर हमें उल्लू दिख जाता है तो उसका क्या मतलब है। चलिए इस चीज़ को भी देखें पक्षी तंत्र क्या बयान कर रहा है। और पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर क्लिक करें। देखिए, एकादशी का जो दिन है, ये महीने में ऑफकोर्स सभी जानते हैं कि महीने में दो बार आता है, कृष्ण पक्ष में और शुक्ल पक्ष में जो एकादशी तिथि होती है उसमें, और लोग इसमें व्रत भी रखते हैं, दान पुण्य करते हैं और ये बहुत शुभ फलदायी होती है। इसमें एक चीज़ जो देखने वाली आती है वो ये आती है कि एकादशी जो है वो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। तो पक्षी तंत्र इस चीज़ को जिक्र कर रहा है कि एकादशी के दिन अगर किसी को उल्लू का दर्शन हो जाता है अचानक से तो ये हमेशा 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 फलदायी है, माँ लक्ष्मी की कोई कृपा आप पर होने वाली है। लेकिन ये उस समय है जब आपको अचानक से उल्लू के दर्शन हो जाते हैं। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आप सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। धन्यवाद।